बिजनौर के एमडी इंटरनेशनल स्कूल में आधुनिक प्रोग्रामों से पूर्ण नीनो नामक रोबोट की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। स्कूल प्रशासन ने बेंगलोर की प्रसिद्ध रोबोटिक्स कंपनी सिरेना टेक्नोलॉजीज के सीईओ एवं रोबोट निर्माता हरिहरन भोजन से टाई अप करते हुए 6-7 जनरेशन वाले रोबोट को अपनी शिक्षा प्रणाली में शामिल किया, जो कई आधुनिक प्रोग्रामों से लैस हैं। एमडी इंटरनेशनल स्कूल स्टाफ का कहना है कि नॉर्थ इंडिया में पहला रोबोटिक्स प्रणाली अपनाने वाला स्कूल है। नीनो रोबोट वर्कशॉप का डेमो करने व स्कूल स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए सिरेना कंपनी की तरफ से बेंगलोर से एक ऑपरेटिंग टीम बिजनौर भेजी गई। टीम की रीजनल मैनेजर रीजा बाटला के निर्देशन में टीम ने रोबोट का डेमो करते हुए इसका कार्यप्रणाली व इसमें प्रयोग की गई तकनीक के बारे में समझाया, साथ ही साथ बताया कि नीनो रोबोट के प्रयोग से शिक्षा प्रणाली कैसे और बेहतर हो सकती है। वही स्कूली बच्चे स्कूल प्रशासन द्वारा किए जा रहे इस कार्य को लेकर काफी उत्साहित हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के अभिभावक भी डेमो वर्कशॉप देखने के लिए भारी संख्या में स्कूल पहुंचे और स्कूल के इस कार्य की काफी सराहना की। स्मार्ट साउंड। मैम, आज जो आपके एमडी स्कूल में रॉबर्ट की क्लासेस का शुरू हुआ है, तो इससे कैसा उत्साह है आप लोगों में और बच्चों में और उनके माँ बाप? इसके लिए हमने सब पेरेंट्स को मैसेज दिया है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया का पहला स्कूल है जो कुछ नया करने जा रहा है। हम लोग माने जाते हैं, जाने जाते हैं, क्योंकि हम लोग नई नई इनोवेशन्स लाते रहते हैं। स्कूल्स कहते हैं इनोवेशन्स करना है, लेकिन इनोवेशन्स करके दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो हम करते हैं उससे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट। मैम, आपको लगता है कि इससे जो है बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होगा? बिल्कुल प्रोग्रेस होगा, क्योंकि नीनो जो है वो दो तरह से काम करेगा। एक, वो बच्चों को सपोर्ट जो है टीचर्स को सपोर्ट करेगा बच्चों को पढ़ाने में, प्लस दूसरा बच्चे जो हैं वो खुद रोबोट्स बनाना सीखेंगे। और आजकल टेक्नोलॉजी की तरफ इतना झुकाव है बच्चों का, बच्चे भी इससे बहुत उत्साहित हैं। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।